ये नए सिक्के देश के लोगों को निरंतर अमृत काल के लक्ष्य याद दिलाएंगे, उन्हें राष्ट्र के विकास में योगदान के लिए प्रेरित करेंगे। अगले एक हफ्ते में अनेक कार्यक्रम आपके विभाग के द्वारा होने वाले हैं। इस अमृत कार्य से जुड़े सभी विभागों को, आपकी हर छोटी मोटी इकाई को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आजादी का यह अमृत महोत्सव सिर्फ 75 वर्षों का उत्सव मात्र नहीं है, बल्कि आजादी के हमारे नायक नायिकाओं ने आजाद भारत के लिए जो सपने देखे थे, उन सपनों को सेलिब्रेट करना, उन सपनों को परिपूर्ण करना, उन सपनों में एक नया सामर्थ्य भरना और नए संकल्प लेकर के आगे बढ़ने का यह पल है। आजादी के लंबे संघर्ष में जिसने भी हिस्सा लिया, उसने इस आंदोलन में एक अलग डायमेंशन को जोड़ा, उसकी ऊर्जा बढ़ाई। किसी ने सत्याग्रह का रास्ता अपनाया, किसी ने अस्त्र शस्त्र का रास्ता चुना, किसी ने आस्था और अध्यात्म का रास्ता चुना, तो किसी ने इंटेलेक्चुअली आजादी की अलग को जगाने में अपनी कलम की ताकत का उपयोग किया, किसी ने कोर्ट कचहरी में मुकदमे लड़कर के देश की आजादी में एक नई ताकत भरने का प्रयास किया। इसलिए आज जब आया हम आजादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहे हैं, तो प्रत्येक देशवासी का कर्तव्य है कि वो अपने अपने स्तर पर अपना कोई विशिष्ट योगदान राष्ट्र के विकास में जरूर जोड़े।